हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 जुलाई को आएंगे गोरखपुर, इसी दिन भरोहिया ब्लॉक का करेंगे शिलान्यास। गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित रोहिन नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत, क्षेत्र में पसरा मातम। सीओ गोरखनाथ ने बताया नदी में नहाने गए थे बच्चे। 20 जुलाई से होने वाले चक्का जाम पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को तैयार हैं गोरखपुर के ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन और गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। डायरेक्टर पद को लेकर कनेशिया हॉस्पिटल विवादों के घेरे में, दोनों पक्षों ने लगाया एक दूसरे पर गंभीर आरोप। गोरखपुर न्यूज की विशेष कवरेज। जिलाधिकारी ने एडीएम वित्त और राजस्व को धान खरीद का प्रभारी अधिकारी किया नामित। 1 अगस्त से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराएगा नगर निगम। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कूड़ा से किया जाएगा विद्युत उत्पादन। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का अनिश्चितकालीन धरना रहा जारी, अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं लेखपाल। पूर्वोत्तर रेलवे के केंद्रीय कर्मचारी कल्याण निधि के तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण पर एक संगोष्ठी का किया आयोजन। रेलवे स्कूलों में हाई स्कूल में अच्छे अंक से उत्तीर्ण छात्राओं को किया गया सम्मानित। ऑल इंडिया शेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के मंडलीय सम्मेलन का हुआ आयोजन, कोटेदारों ने अपनी मांगों को लेकर बुलंद की आवाज। दस्तक 2 अभियान के तहत 16 को कलेक्ट्रेट परिसर में निकाली जाएगी जागरूकता रैली, कमिश्नर और डीएम हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज के मेधावी हुए सम्मानित, महापौर सीताराम जायसवाल ने देश और समाज में महिलाओं के स्थान और महत्व पर प्रकाश डाला। 16 से 22 जुलाई तक मनाया जाएगा भूजल सप्ताह, जिलाधिकारी ने कहा जल संरक्षण में निभाएं अपनी भूमिका। एक अभ्यर्थी के एडमिशन को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, परिसर में चल रहे प्रवेश कार्य को कुछ देर तक बाधित करने का किया कार्य। महाविद्यालयों में 25% सीटों की वृद्धि किए जाने सहित कुल 11 सूत्रीय मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और डीएवी डिग्री कॉलेज परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश प्रक्रिया 7वें दिन भी रहा जारी, शुक्रवार को विविध विषयों में कुल 328 अभ्यर्थियों ने लिया प्रवेश। गोरखपुर क्रिकेट संघ और UPCA के खिलाफ ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति ने सड़क पर उतर कर किया विरोध प्रदर्शन। और जिला फुटबॉल लीग मैच के दौरान हुई मारपीट, रेफरी और फुटबॉल संघ बना रहा मूक दर्शक।